पदम सुरतनिया एजुकेशन एडवाइज़र में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि कम से कम समय में सीटेट एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर कैसे लाए जा सकते हैं, कम से कम तैयारी में अधिक से अधिक नंबर कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं सीटेट एग्ज़ाम में। मैं आपको एक रियल एक्सपीरियंस बताऊंगा जिसमें कम से कम 20 दिन की तैयारी में सीटेट एग्ज़ाम में 78% अंक हासिल कर लिए गए। और उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगी। तो दोस्तों, पहले ये देख लिया जाए कि सी टेट आखिर है क्या। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये सी टेट है जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह टेस्ट 2011 से स्टार्ट किया गया है। इसमें यदि आप टीचर बनना चाहते हो तो टीचर बनने से पहले आपको एक टेस्ट पास करना होता है और वो है सी टेट, जो कि सेंट्रल लेवल का है। और स्टेट टेट्स अलग प्रकार के होते हैं, जो सभी राज्य अपने स्तर पर एक टेट परीक्षा आयोजन कराती है। तो दोस्तों, मैं एक आपके सामने एक ऐसा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ जिसमें मात्र 20 दिन की तैयारी में सामाजिक विज्ञान का जो विषय है उस विषय में 20 दिन की तैयारी में 78% अंक हासिल कर लिए गए। तो दोस्तों, ये सब क्या हुआ, उसमें किस प्रकार तैयारी की गई, उसकी जानकारी मैं आपको विस्तृत दे देता हूँ। और उससे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि सीटेट में जो पैटर्न है उसका क्या है। उसमें एक पार्ट होता है बाल विकास या शिक्षा शास्त्र का, दूसरा पार्ट होता है वो होता है भाषा फर्स्ट, तीसरा पार्ट होता है वो भाषा सेकंड का, और चौथा पार्ट होता है वो सामाजिक अध्ययन के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर सामाजिक अध्ययन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये चार पार्ट हो जाते हैं। पहला पार्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, दूसरा पार्ट है भाषा फर्स्ट, तीसरा पार्ट भाषा सेकंड, और चौथा पार्ट है वो है सामाजिक अध्ययन का। तो इन चार पार्ट में शुरू के तीन पार्ट हैं वो 30-30 नंबर के, और चौथा पार्ट है वो 60 नंबर का। तो इस तरह ये 150 अंक हो जाते हैं, और 150 अंक में से 117 अंक यानी कि 78% अंक मात्र 20 दिन की तैयारी में। और ये सब कैसे मुमकिन हुआ, क्या हुआ, उसका मैं रियल एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, 20 सितंबर 2015 को जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम के लिए, उस एग्ज़ाम से मात्र 25 दिन पहले एग्ज़ाम तैयारी का विचार बनाया। ठीक है, और दोस्तों 25 दिन के समय में क्या पढ़ना था क्या नहीं पढ़ना था, और मात्र 25 दिन में क्या तैयारी की गई जिससे कि 78% अंक प्राप्त कर ली गई। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें मैं आपके सामने आज शेयर करता हूँ। उससे पहले मैं आपके सामने वो सब अध्ययन सामग्री एक बार बता देता हूँ कि किस अध्ययन सामग्री का उपयोग करके मात्र 20 दिन की तैयारी में 78% अंक हासिल कर ली गई। तो दोस्तों, उसमें एक आती है गाइड बुक, जिसके अंतर्गत बाल विकास व शिक्षा शास्त्र भाषा प्रथम की तैयारी उस गाइड से की गई थी। और फिर आती है बात टीचिंग जो सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन, और सामाजिक अध्ययन की तैयारी के लिए जिस पाठ्यक्रम का प्रयोग किया गया था वो थी NCERT की 6 से 8 तक की बुक। वो आपके मैं बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले यहाँ पर ये जियोग्राफी की बुक्स है, इसमें क्लास 6 के लिए जो जियोग्राफी की बुक्स है वो है भूगोल की पुस्तक क्लास 6। उसके बाद ये क्लास 7 की भूगोल की बुक, और इसमें जो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट होता है उसके लिए कक्षा 6 की राजनीतिक विज्ञान की बुक, क्लास 7 की राजनीतिक विज्ञान की बुक, और उसके बाद जो तीसरी किताब है वो है कक्षा 8 की राजनीतिक विज्ञान की बुक्स। और अब बात आती है तीसरी पुस्तक जो कि इतिहास की है, कक्षा 6 के लिए इतिहास इतिहास की पुस्तक, उसके बाद कक्षा 7 के लिए इतिहास की पुस्तक, और कक्षा 8 के लिए इतिहास की दो पुस्तकें, हमारे अतीत भाग 1 और हमारे अतीत भाग 2। तो ये थी NCERT की बुक्स, जिसमें 6, 7, 8 की जो सामाजिक की तीन पुस्तक हैं उसमें से सामाजिक अध्ययन का जो भी सवाल है वो इन पुस्तक से एक लाइन तक बाहर नहीं आती है। इन पुस्तक को 20 दिन के अंदर यदि पढ़ लिया जाए
तो अच्छी तैयारी में अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसमें सी टेट की ये मार्कशीट। नाम पदमदान, और यहाँ पर सितंबर 2015 की ये मार्कशीट है। और इसमें अब हम मार्क्स देख लेते हैं। पार्ट फर्स्ट में 30 में से 25 मार्क्स, जो सोशल साइंस का पार्ट है उसमें 60 में से 43 मार्क्स, भाषा फर्स्ट उसमें 23 मार्क्स, और भाषा सेकंड में 26 मार्क्स। और ये सब सारी चीज़ कैसे हो पाई? देखिए, भाषा सेकंड जो कि मैंने संस्कृत चुनी थी, तो संस्कृत में 30 में से 26 मार्क्स आए। मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि भाषा सेकंड आप वही चुने जो आपको ईजी लगती है। ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी और इंग्लिश चुने, आप हिंदी और संस्कृत भी चुन सकते हैं। और सोशल साइंस के लिए आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें, आप किसी भी अदर गाइड को ना पढ़ें। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ोगे तो इन एनसीईआरटी की बुक्स में आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, सारी चीज़ मिल जाएगी, और कम समय में आप अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सटीक और कम शब्दों में मैंने अपनी बात बता दी है कि कम से कम समय में सीटेट में अधिक से अधिक अंक कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और आपने अभी तक यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।